जहां पूरा देश कोरोना की महामारी को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे जम्मू के पुंछ की, जहां लॉकडाउन लगने के बाद सभी रास्ते और हर चीज को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। पुंछ के लोगों ने भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया है। इस बात पर बात करते हुए R9 भारत से ADC पुंछ बशारत हुसैन, संवाददाता राजीव शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में। लॉकडाउन है, मैं खुद निकला था यहाँ से, पूरे मार्केट में चेक किया है और जितना हमारा पुंछ और इसके पेरिफेरी है सब देख के आ चुका हूँ। और यहाँ पर आज हमने पुंछ मार्केट में फ्यूमिगेशन भी करवाया है, आप खुद देख रहे हैं। और हमें इस वक्त आवाम का पूरा सहयोग मिल रहा है, तावन मिल रहा है, सब लोग घरों के अंदर हैं। और हमारा जो लॉकडाउन है वो इन लेटर एंड सिक्रेट जो है पर कोविड SOPs जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल करने में इस लॉकडाउन से हमको फ़ायदा मिलेगा। सर, जिस तरह से जम्मू में टाइम बढ़ाया गया है, क्या पुंछ में भी सर ऐसा है? क्योंकि ये फैसला हायर अथॉरिटीज ने लेना है, हम भी उनके आदेश पे अभी तक। R9 भारत के लिए राजीव शर्मा, पुंछ, जम्मू। कोरोना की लहर पूरे देश में देखी जा रही है, वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कल मेंढर में 3 और आज जिला पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 70 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो कि बेहद दुखद है। R9 भारत के लिए राजीव शर्मा, मेंढर, जम्मू कश्मीर।